बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर हूँ एक नई वीडियो। इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जॉब्स की डिटेल्स। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड करता हूँ नई जॉब्स की डिटेल्स। तो दोस्तों, चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दोस्तों पोस्ट का नाम है, एरोड्रोम फायर फाइटर SG5, और इसकी 20 पोजीशंस हैं, यानी कि 20 वैकेंसी हैं। इसकी मेरिट के ऊपर 2 हैं, पंजाब के लिए 7 हैं, सिंध अर्बन के लिए 2, सिंध रूरल के लिए 3, बलूचिस्तान के लिए 2, गलगित बल्तिस्तान फाटा के लिए 1, और KPK के लिए 2, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 1 वैकेंसी है। इसका पे स्केल जो होगा इसमें, यानी कि बेसिक पेज होगी 16,965 रुपये होगी। इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो FSC विथ एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए। FSC में आप सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए आपकी, मिनिमम 23, मैक्सिमम 23 ईयर एज होनी चाहिए, यानी कि आपकी उम्र 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 5 फुट 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों स्पेशल व्हीकल ड्राइवर। इसकी 20 असामियाँ हैं और सारी की सारी मेरिट के ऊपर हैं, और इसके लिए इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट चाहिए। मस्ट हैव वैलिड HTV लाइसेंस, आपके पास FA पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके आपके पास HTV लाइसेंस भी होना चाहिए, और आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों तीसरी पोस्ट है EM टेक्नीशियन। इसकी भी 20 वैकेंसी हैं, मेरठ के ऊपर 2 हैं, पंजाब की 7, सिंध अर्बन की 2, सिंध रूरल की 3, से बलूचिस्तान की 2, गलगित बल्तिस्तान फाटा की 1, KPK की 2, और AJK की 1 सीट है। और इसके भी सेम वही स्केल है दोस्तों, इसके लिए फर्स्ट FSC सेकेंड डिवीजन के साथ रिक्वायर्ड है, और एज लिमिट भी वही है, मैक्सिमम 23 ईयर्स। उसके बाद ATC असिस्टेंट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल असिस्टेंट, तो इसका SG है वो भी 5 है, 16 इसकी वैकेंसी हैं, और मेरिट के ऊपर 1 है, पंजाब की 6, सिंध अर्बन की 1, सिंध रूरल की 1, बलूचिस्तान की 3, गलगित बल्तिस्तान फाटा की 1, KPK की 2, AJK की 1 वैकेंसी है। और लास्ट में इसके लिए भी तालीम जो है FSC प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए सेकेंड डिवीजन के साथ, एज वही है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स असिस्टेंट, इसमें भी वही सेम वैकेंसी की तादाद है जो ATC असिस्टेंट की हैं, और सेम क्वालिफिकेशन है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल सा तरीक़ाकार है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करानी है। इसकी ऑनलाइन जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फ़ोटो हों चाहे CNSE हो, सारे के सारे आपने स्कैन करवा के इसकी CAApakistan.com पे आपने अपलोड करने होंगे। बाकी मालूमात आप तमाम जो है वो इसकी वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की जॉब्स। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करना, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरा काम था आप तक पहुँचाना और आपका काम है अपने दोस्तों तक पहुँचाना। हो सकता है किसी गरीब का काम हो जाए। तो दोस्तों चलें इसके साथ ही वीडियो का अख्ताम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।